मैं आपको इस टाइम पे फैसलाबाद कार मेला से एक स्पोर्ट्स कार दिखा रहा हूँ, BMW i8, और इनके ओनर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अमन भाई, ये BMW i8 का बताइएगा कौन सा मॉडल है और कब क्या कब से आपके पास है? ये 2016 मॉडल है जी, 2016 की इंपोर्ट है, 1500 cc, माइल्ड इलेक्ट्रिक है और इट प्रोड्यूसेस अराउंड 370 हॉर्स पावर। ठीक है, और इसके अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो रिम इसके कितने इंचेस के? इसके रिम इसके 19 इंचेस की है रिम है। ठीक है, और जो बॉडी है पूरी कार्बन फाइबर की है। और जिसके कर्व्स बने हैं ये मतलब ये एरोडायनामिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हाई स्पीड पे इसको डाउन फोर्स चाहिए होती है तो उसमें काफी हेल्प करती है। तो ये फुली इलेक्ट्रिक है या नहीं? माइल्ड इलेक्ट्रिक है, इसमें 1500 cc का इंजन आता है टर्बो चार्ज। ठीक है, और उसके साथ इसका इलेक्ट्रिक इंजन भी है। तो इसको चार्जिंग वगैरह अगर करें, जिस मैं देख रहा हूँ इसका चार्जेस की क्या ना ट्रंक में है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इट टेक्स अबाउट 2 to 3 hours टू फॉर अ फुल चार्ज एंड इट कैन डू अराउंड 20 किलोमीटर इन। बिल्कुल ठीक है, तो इसकी रेंज क्या है? इसकी प्राइस रेंज या नहीं नहीं फ्यूल एवरेज मतलब इसकी फ्यूल एवरेज अगर नॉर्मल फोर्स से चलाएं तो आपको 18 से 19। अच्छा, इंप्रेसिव, बहुत अच्छी है, काफी इंप्रेसिव है। लेकिन अगर आप हार्श फोर्स से चलाएं तो ये वो 9 से नीचे नहीं आती। ठीक है, आइए जरा इसके इंटीरियर पे चलते हैं, आप उधर से आए। तो आए व्यूअर्स, हम आपको इसके इंटीरियर का दिखाते हैं। अच्छा मन भी, इसके अंदर तो मुझे लगता है कि गिरना पड़ता है। इसके अंदर बैठने का एक प्रॉपर तरीका है, पहले आपने अपने आप को अंदर लाना है, फिर आपकी टांगे अंदर आती है। ठीक है, अब हम जरा दरवाजा बंद कर लेते हैं ताकि जरा हमारे पास शोर कम आए। अच्छा, अब इसका जरा इंटीरियर में कुछ चीजें जो फीचर्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं बताएगा। इसके अंदर जो फीचर्स हैं, एक तो इसकी एम्बियंट लाइट्स, और बीइंग अ 2016 मॉडल इट हैजंट एज्ड, और 2023 चल रहा है और अभी तक इसका इंटीरियर बिल्कुल भी पुराना नहीं लगता। रिवर्सिंग कैमरा, 360 कैमरा, क्या नाम है, पार्किंग सेंसर्स हैं, और क्या नाम है, चारों जगह पे कैमरास लगे हैं फॉर 360 डिग्री उसके कैमरास जी। और इसका 0 to 100 इन इट टेक्स 3.8 seconds टू डू इट। अच्छा, और 100 to 200 इसका तकरीबन 9 seconds में हो जाता है। सही, तो जरा स्टार्ट कीजिएगा ताकि हम इसके जो फर्स्ट लुक है। चाबी इसकी, चाबी बाहर है भाईजान, चले जब तक भाई आते चाबी। अच्छा, चाबी भी इसकी डिस्प्ले की है। क्या बात है, बहुत प्यारी है ये चाबी है। ये तो एक छोटा सा लगता है मोबाइल आईपॉड जैसा शुरू में आता था, याद होगा। ये एडेड ऑप्शन है, लेकिन ये पहले तो मुझे कॉस्ट की थी 4 lakh, अब तो ये मेरे कैसे 7-8 lakh की है, सिर्फ की है। सही 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 सही, स्टार्ट पे देखें कोई आवाज नहीं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। हो गई, मतलब ये तो फील भी नहीं होगा। मैं रेव दूंगा फिर आपको थोड़ा सा फील होगा कि इसका इंजन स्टार्ट हुआ। ओके राइट, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा मुझे बताएं कि अगर हम इसको जनरली एज अ डेली ड्रिवन कार यूज करें, डेली ड्रिवन ये आराम से हो सकती है, और मेरे ख्याल से इस टाइम जो गाड़ियों की प्राइसेस है ना, इट इज वर्थ द मनी, क्योंकि आपको 2.5 crore के अंदर आज अब इस टाइम कन्वर्टेड गाड़ियां भी मिलती हैं। और 2.5 crore में अगर आप लेने जाएं EMI का, आपको ई क्लास भी नहीं मिलेगी, E180 जो उनका स्टार्टिंग जो उनकी रेंज होती है E180 की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ कम्प्लीट पैकेज और वैल्यू टू मनी गाड़ी है। बिल्कुल ठीक है, तो पीछे अगर हम इसके स्पेस की बात करें तो सिर्फ 2 लोगों के लिए मेरे ख्याल से बेस्ट है। दो अडल्ट्स भी नहीं बैठ सकते, बच्चे ही बैठ सकते हैं, और वो भी कॉम्प्रोमाइज होके बैठ सकते हैं। इट्स एक्चुअली अ स्ट्रिक्ट 2 सीटर गाड़ी, सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बेस्ट मेरे ख्याल से। अच्छी, अभी भी मैं बैठा हूँ तो काफी कम्फर्टेबल है, और लेग स्पेस भी इसके काफी अच्छा है, और मतलब काफी कम्फर्टेबल है। बहुत शुक्रिया मन भी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।